हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टैक्स द अतुल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपके सामने जो रेड कलर का बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आपने पहले ही से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जो GAV रजिस्ट्रेशन का ये जो लिंक एक्टिवेट हुआ है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा क्या है ये और क्या है इसका यूज, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको GAV रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको ये दिखेगा, यहाँ पे अपने आप मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ OTP जनरेट OTP क्लिक करेंगे। जनरेट OTP क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। फॉर्म खुल के आपको भरना है। क्यों भरना है, अगर आपसे कोई अचल संपत्ति का प्रमाण पत्र बनवाने आता है तो ये GAV रजिस्ट्रेशन उन्हीं के लिए है जो अचल संपत्ति का प्रमाण पत्र बनवाते हैं, ठीक है। तो ये अचल संपत्ति का प्रमाण पत्र क्यों बनवाते हैं, ठीक है, इसके लिए भी बारे में बात कर लेते हैं। ये अचल संपत्ति का प्रमाण पत्र लोग जो हैसियत प्रमाण पत्र बनता है उस लिए बनवाते हैं, ठीक है। अब हैसियत प्रमाण पत्र लोग क्यों बनवाते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र इसलिए बनवाते हैं जो गवर्नमेंट टेंडर या प्राइवेट जो टेंडर उठते हैं उनके लिए, जो अगर आपको टेंडर लेना है तो आपको हैसियत दिखानी पड़ेगी, आपके पास अचल संपत्ति का ब्यौरा आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा टेंडर लेने के लिए, आपके पास कितनी हैसियत है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि हैसियत प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या सिटीजन पोर्टल खोल लेंगे अपना, ठीक है। सिटीजन पोर्टल खोलने के बाद अगर इसमें नए हैं, इस पर आईडी नहीं बनी है तो आप इसमें नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण करेंगे, ठीक है। अगर आईडी बनी है तो यहाँ पे अपने आईडी पासवर्ड डाल के और यहाँ पे कैप्चा डाल के और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करते हैं। दोस्तों, आवेदन करने पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्विस चयन करेंगे, यहाँ हैसियत प्रमाण पत्र लिख के आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख के आ रहा है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, नवीन आवेदन करें, आवेदन संशोधित करें। तो हम अभी नवीन आवेदन करेंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें 6 स्टेप में इसको फॉर्म को कम्प्लीट करना है। व्यक्तिगत विवरण देना, सबसे पहले आपको संपत्ति का विवरण देना है। अनिवार्य व्यक्तिगत संकलन, मतलब जो डॉक्यूमेंट मांगे गए संकलन करते हैं। संपत्ति के अनुसार संबंधित दस्तावेज और भी जो कागज हैं वो भी इसमें सम्मिलित करने हैं। और घोषणा पत्र होता है डिक्लेरेशन फॉर्म, वो भी इसमें लगाना है। दोस्तों, आप देख लीजिए, ये जो व्यक्तिगत प्रमाण पत्र दो भागों में बनता है, एक तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल द्वारा और ये संस्था द्वारा, ठीक है, कोई अथॉरिटी है उसके द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या मांगे, व्यक्ति आवेदक का फोटो मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, पति का प्रमाण पत्र मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा, ठीक है। और यहाँ संपत्ति का ब्यौरा में अचल संपत्ति या चल संपत्ति मांगेगा। अचल संपत्ति हम आपको बता चुके हैं, जो GAV रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, अचल संपत्ति का प्रमाण पत्र वहीं से मिलता है, ठीक है। और चल संपत्ति आपके जो बैंक का बैलेंस होता है, जो भी आपकी रखी हुई रकम है उसको हम चल संपत्ति कहते हैं, तो ये आपको बैंक द्वारा मिल जाएगा दोस्तों। तो ये है कुछ इसके प्रोसीजर अप्लाई करने के, ठीक है। और भी कुछ निर्देश हैं, आपको पढ़ सकते हैं। आप फॉर्म आपको दिखा देते हैं, ठीक है। फॉर्म दिखाने के लिए ये देखिए, आपको अपनी जनपद सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई भी जनपद है तो कोई भी जो भी जनपद आपकी रहेगी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे अपना फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो हम आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमें लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।